हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बिना बटर के चटपटा गार्लिक पराठा बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे और अब हम आटे को 10 मिनट के लिए ढककर अलग रख देंगे और अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मिक्सी के छोटे जार में डालेंगे 12 से 15 लहसुन की कली, 8 से 10 सूखी छोटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी को हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। तो हमने इस प्रकार से मसाले को पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पराठा बनाएंगे। 10 मिनट में आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे को मसलते हुए इसका एक रोल बना लेंगे और अब हम आटे को 6 भागों में बांटेंगे और 6 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम आटे से आप 8 लोई बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। सारी लोई हमने बना ली है, अब हम एक लोई लेंगे। अब हम इसे सूखे आटे में लपटेंगे और इसे बेलेंगे। हमें इसे रोटी से थोड़ा बड़ा बेलना है। बेलने के बाद अब हम इस पर 1 चम्मच गार्लिक मसाला लगाएंगे। मसाले को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। मसाले को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसे साइड से इस प्रकार से कट करेंगे और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला रखते हुए नहीं बेलना है। तो पराठे को हमने बेल लिया है, अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए गैस ऑन करके तवे को हमने गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक सेकना है। तो कुछ देर बाद पराठे को पलटेंगे और इस पर तेल लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमें पराठे को अच्छे से सेकना है। तो दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद पराठे को अब हम निकालेंगे। गर्मा गर्म पराठे को आप सर्व करें, ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस पराठे को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।